तो फाइनली तमिल इंडस्ट्री की मूवी ध्रुवा का ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है। वैसे इस मूवी का टीजर 6 साल पहले आया था, बट किसी कारणवश ये मूवी नहीं आ पाई, तो अब इसका ट्रेलर आया है और आगे ये मूवी थिएटर में आएगी। तो देख लेते हैं कैसा है ये ट्रेलर और फिर करते हैं उस पर बातें। तो करते हैं स्टार्ट। India's marking 15 years since the 2008 terror attacks in Mumbai. Mumbai attack நடந்தப்போ first NSG chopper வரதுக்கு ரொம்ப லேட். National Security Guard. Rules and regulations ने அந்த வட்டத்துக்குள்ள சிக்கி தவிச்சு என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. இனி எல்லாத்தையும் ஒண்ணொண்ணா சரி பண்ணனும். எப்படி சார்? என்ன பண்ண போறீங்க? The basement. ஒரே சிந்தனை ஒரே நோக்கம் உள்ள சில பேர் ஒன்னு சேர்த்து பேஸ்மென்ட்னு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ண போறோம். a covert team an intelligence network. நாங்க சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட மாட்டோம். ப்ரோசிஜர் படி தான் இயங்கணும்னு எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. நாங்க இருக்கோம்னு யாருக்கும் தெரியாது. நீ பேசினா தான் உண்டு. பேஸ்மென்ட் நம்ம எவ்வளவு பேர் சார்? ஒரு டீம் ஆஃப் 10 நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஆனா ஒரு கிரிக்கெட் டீம் மாதிரி 11 பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு பார்க்கறேன். இன்னும் ஒருத்த வேணும். எ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஜான் 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 உன் டீமுக்கு பேர்ல இருக்கா? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். பஞ்ச் ஆஃப் இந்தியன்ஸ். ஹவ் டு வி ஃபைண்ட் இட்? கிங்ஸ். இட்ஸ் சோ ஃபக்கிங் ஃபன்னி மேன். சச்சின் ஆகணும், தோனி மாதிரி வரணும்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கிரிக்கெட் ஆட கிரவுண்டுக்கு வரணும். பால் ஹைட்ல இருந்து ஹார்டா வரும், கேட்ச் பிடிக்கணும். தரையில ஃபாஸ்டா வரும், ஃபீல் பண்ணும், கவ விட கூடாது. ஃபாஸ்ட் பவுலர் பவுல் பண்ணுவான், ஆடணும், சைட்ல ஒதுக்க கூடாது. பவுன்சர் போடுவான், ஆட தெரியணும், இல்ல குனிவா தெரியணும். அனாலஜி புரியுதா? டீ பாடு வரண்டா, அவருக்கு ஒண்ணும் ஆக கூடாது. இல்ல இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சந்திக்கும் போது ध्रुवा। तो हमने देखा तमिल इंडस्ट्री की मूवी ध्रुवा का ऑफिशियली ट्रेलर। ट्रेलर तमिल लैंग्वेज में है बट हम इसको हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि दो ऑफिसर आपस में बातें कर रहे हैं। एक ऑफिसर कहता है कि भारत पर पिछले 15 सालों से अटैक किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 2008-26-11 से हुई। तो उसमें एक ऑफिसर था तो वो ये बातें करता है कि मैं उस समय संघर्ष करता रहा लेकिन मैं कुछ भी काबू नहीं कर सका, लेकिन इस बार हम प्लान से करेंगे, रूल एंड रेगुलेशन के तहत में रहकर नहीं करेंगे। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है ये कैसे होगा? तो वो बोलता है कि बेसमेंट। तो उससे पूछता है कि बेसमेंट क्या? तो उसमें बोलता है कि हम 11 प्लेयर क्रिकेट की तरह है तैयार करेंगे, बट ये क्रिकेट के प्लेयर नहीं होंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्लेयर होंगे या डिपार्टमेंट से होंगे, वो अपना काम करेंगे। उन पर नज़र रखने के लिए एक स्पेशलिस्ट होगा जो उन सभी 11 की हेल्प करेगा, उन पर निगरानी रखेगा, उनकी मदद करेगा। तो फिर वो जो कि 11वां प्लेयर होगा विक्रम, विक्रम की तब एंट्री होती है। विक्रम को एक्शन सीन के साथ ट्रेलर में दिखाया जाता है। फिर विक्रम एक से बात करता है, वो बोलता है कि तुम्हारी टीम का नाम क्या है? वो बोलता है चेन्नई सुपर किंग्स। फिर उसके बाद मार धाड़ एक्शन सीन चलता रहता है। फिर लास्ट में दिखाते हैं कि अगर तुम सचिन और धोनी की तरह प्लेयर बनना चाहते हो तो तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में भी उतरना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, नो बॉल आएगी तो उसका भी सामना करना पड़ेगा, कम से कम डक पे आउट नहीं होना पड़ेगा, प्रत्येक तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेलर चलता रहता है और ट्रेलर के एंड में
वो जिसे बात कर रहा होता वो होता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये शायद विक्रम के लिए बोला गया। और तभी विक्रम बोलता है कि मैं उसे देख लूँगा। ऐसे ट्रेलर चलता रहता है। ट्रेलर के दौरान काफ़ी एक्शन सीन देखने को मिला, काफ़ी गन का यूज किया गया है। अगर हम बात करें इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी शायद इसमें यही रहने वाली है, कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है, वो उस अटैक को फेल करेंगे, या फिर किसी न किसी का किडनैप हो चुका है, वो उसकी मदद करेंगे, वो उसको ढूंढेंगे। इस तरह की स्टोरी रहने वाली है। एक्शन मूवी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे ये मूवी 6 साल पहले आने वाली थी, बट किसी कारणवश ये नहीं आ पाई, तो अब ये मूवी आ रही है। मूवी पैन इंडियन होगी या नहीं ये तो नहीं पता, बट देखते हैं। अगर पैन इंडियन हुई तो उसका ट्रेलर आएगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो अगर इसके स्टार कास्ट तो आपको पता ही है, विक्रम है, रितु है और भी अन्य स्टार हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात हो गई। बीजीएम है वो काफ़ी अच्छा है, टीजर के साथ मैच करने वाला बीजीएम है। बीजीएम टीजर में अलग से जान डाल रहा है। तो देखते हैं कैसी है ये मूवी। स्टोरी लाइन तो गजब रहने वाली है। तो इसी के साथ इसी पर यही था मेरा रिएक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।